कभी आप लोगों ने सोचा है आपके जो फेवरेट यूट्यूबर हैं जैसे कि अंकुर वारिकू, राज शमानी या फिर बियर बाइसेप्स, ये सभी इतने सारे प्लेटफॉर्म पे इतनी ज्यादा अमाउंट में कंटेंट को प्रोड्यूस कैसे कर पाते हैं? तो वेल, क्योंकि मैं भी यूट्यूब के ऊपर काफी कंटेंट बनाता हूँ और मैं भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हूँ, तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिसकी हेल्प से अगर आप भी कंटेंट के अंदर आना चाहते हैं तो आप उन सभी स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो ये सभी कंटेंट क्रिएटर यूज करते हैं वो है कंटेंट का बफर बनाना। इसका मतलब कि कंटेंट को पहले से शूट करके रखना। जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएटर हैं वो लगभग एक या दो महीने पहले ही सारे कंटेंट को शूट करके रखते हैं। इनफैक्ट अंकुर वारिकू ने अपनी एक वीडियो के अंदर बोला भी था कि मैं ट्यूसडे को अपना सारा कंटेंट पूरे वीक का प्रोड्यूस करता हूं। You would have seen in the start of the video, हम हर ट्यूसडे को शूट करते हैं। ट्यूसडे इज व्हेन आई शूट द कंटेंट फॉर द एंटायर वीक व्हिच इज 3 वीडियोस। इनफैक्ट मनीष पांडे जो कि बियर बाइसेप्स को संभालते हैं वो भी लगभग एक से दो महीने पहले का शेड्यूल बनाकर तैयार रखते हैं। और उसका सिंपल सा रीजन है, ये जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं ये लगभग हर दिन उतना मोटिवेट नहीं रहते कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए ये लोग महीने में लगभग 3 से 4 दिन ऐसे निकाल कर रखते हैं जहां पर यूट्यूबर उस कंटेंट को शूट कर सकते हैं और फिर एक स्पेसिफिक टाइम पर उस कंटेंट को अपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका हो गया कंटेंट का बफर या फिर स्टॉक बनाकर रखना। दूसरी ट्रिक जो ये सभी कंटेंट क्रिएटर यूज करते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन एट स्केल। तो अगर आपने कभी ध्यान से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस किया हो तो इंस्टाग्राम पर जो डेमोग्राफिक्स हैं वो अलग हैं, लिंक्डइन पर अलग हैं, ट्विटर के ऊपर अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम वो लोग यूज करते हैं जिनकी एज लगभग 18 से 25 साल होती है, जबकि लिंक्डइन वो लोग यूज करते हैं जिनकी एज लगभग 25 से 40 साल के आसपास होती है, जो कॉर्पोरेट इंडिविजुअल होते हैं, जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी कंपनीज में। ऑन दी अदर साइड, ट्विटर इज मोस्टली पॉपुलर फॉर क्रिप्टो पीपल और फाइनेंस पीपल और मे बी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो जितने भी आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर हैं ये अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑब्वियसली इनके पास काफी बड़ी टीम होती है। जैसे कि अगर आपने कभी भी ध्यान से अंकुर वारिकू को या राज शमानी को नोटिस किया हो तो वो लिंक्डइन पर हमेशा मोटिवेशनल चीजें पोस्ट करते हैं, ट्विटर के ऊपर हमेशा ह्यूमरस या फिर सरकास्टिक चीजें पोस्ट करते हैं, जबकि यूट्यूब के ऊपर नॉलेजेबल कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। और इसी को लेकर तीसरी सबसे बड़ी जो टेक्निक या फिर ट्रिक ये सभी कंटेंट क्रिएटर यूज करते हैं वो है रीपैकेजिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग। और इसको मैं सिंपली एक एग्जांपल की हेल्प से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। रिसेंटली राज शमानी ने अनुपम मित्तल जो कि शादी.com के फाउंडर हैं उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था। ऑब्वियसली 1.5 घंटे की पॉडकास्ट सब लोग नहीं देख सकते, तो उस पॉडकास्ट के अंदर से उन्होंने 5 से 6 ऐसे छोटे छोटे क्लिप निकाल लिए जहां पर कुछ काफी फैंटेस्टिक बोला था दोनों लोगों ने, एंड उन सभी स्मॉल स्मॉल वीडियोस को शॉर्ट्स की फॉर्म में यूट्यूब पे शेयर किया गया और उसके बाद उनके रील्स बनाकर उसको इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया। इसका मतलब सेम कंटेंट को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, रीपैकेज किया जा रहा है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और वो सभी चीजें लोगों को वापस से ड्राइव करती हैं उस पॉडकास्ट के ऊपर। लेट्स से आपने वो छोटा सा शॉर्ट या फिर वो रील्स देखा और उसके बाद आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आए और आपने पूरा पॉडकास्ट देखा। सो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीपैकेजिंग भी काफी सीक्रेट स्ट्रेटजी है जो सभी लोग यूज करते हैं, इंक्लूडिंग अंकुर वारिकू, राज शमानी, बियर बाइसेप्स और भी अगर आपके कोई फेवरेट यूट्यूबर है। तो 4 टेक्निक जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं, आई एम नॉट श्योर ये सभी कंटेंट क्रिएटर करते होंगे, वो है रीशेड्यूलिंग। नाउ ऑब्वियसली जो काफी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं उनके पास अपनी खुद की एक सोशल मीडिया टीम है, मेरे पास उतनी बड़ी टीम नहीं है, तो मैं कंटेंट को पहले से रीशेड्यूल करके रखता हूं। जैसे कि अगर आप ध्यान से मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो मैंने लगभग अगले 4 महीने के ट्वीट पहले से रीशेड्यूल कर रखे हैं जो एक स्पेसिफिक दिन अपने आप जाते रहते हैं। तो वेंसडे को एक ट्वीट जाता है अपने आप, संडे को एक ट्वीट जाता है अपने आप, और लगभग मैंने 4 महीने तक के जो ट्वीट्स हैं वो रीशेड्यूल कर रखे हैं अपने ट्विटर के अंदर। इसी तरीके से लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सभी प्लेटफॉर्म की चीज़ें रीशेड्यूल हो सकती हैं काफ़ी आगे तक। वेल, इसके लिए मैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ जिसका नाम है बफर। आई एम नॉट श्योर ये सभी कंटेंट क्रिएटर भी रीशेड्यूल वगैरह कुछ करते होंगे बिकॉज इनके पास काफ़ी बड़ी टीम है जो डे टू डे बेसिस पे जाकर पोस्ट करती है डायरेक्टली इन सभी कंटेंट को। तो वेल, ये थी 4 ऐसी टेक्निक या फिर ट्रिक जो आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर यूज करते हैं यूट्यूब के ऊपर। सबसे पहला है कंटेंट का स्टॉक बनाकर रखना, उसके बाद है अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर उस अलग अलग कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बाद है रीपैकेजिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द सेम कंटेंट, और लास्ट में आता है रीशेड्यूलिंग। तो अगर आप भी अपनी कंटेंट क्रिएटर की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आप इन सभी टेक्निक को यूज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं बनाता हूं स्टार्टअप और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस, एंड रिसेंटली मैंने कुछ लाइफ के काफी सारी चीजों को लेकर भी वीडियोस बनानी शुरू की हैं। सो आई एम श्योर आपको ये सभी वीडियोस ही पसंद आ रही होंगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बिकॉज एल्गोरिथम को भी पता होना चाहिए कि ओह
ये वीडियो काफी ज्यादा लोग लाइक करके जा रहे हैं एंड अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इनफैक्ट पहले लगभग 80% लोग सब्सक्राइबर नहीं थे जो कि अभी घटकर लगभग 70% आ गया है। सो आई एम हैप्पी ये इतना बड़ा आउट्रो काम कर रहा है, बट आई नो काफी लोग ऑलरेडी छोड़कर जा चुके होंगे इस वीडियो को। सो अपना ध्यान रखो एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।